गाइस, मैं हूं विभा और मैं आज आपको सिखाने वाली हूं बस शेल्टर कैसे बनाते हैं। तो बस शेल्टर हम हर किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं, प्रोडक्ट पे बना सकते हैं, किसी किसी सर्विस पे बना सकते हैं और या किसी इंटरनेट गोइंग थिंग्स पे बना सकते हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन हो गए। जैसे अभी हमने ये हमारे पास सामने है बर्गर का, हम बना सकते हैं, हील्स के बना सकते हैं, किसी फंक्शन के बना सकते हैं, जैसे डांडिया नाइट्स हो गई, गरबा हो गया, दशहरा हो गया, किसी फेयर, ट्रेड फेयर या बुक फेयर, आर्ट फेयर, किसी भी चीज़ का हम बस शेल्टर बना सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं इस बर्गर बस शेल्टर को। तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें फाइल में जाना है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, इंटरनेशनल पेपर A3। ओके, ये हमारा पेज आ गया, डन। अब नेक्स्ट हमें क्या काम करना है, हमें अपना यहाँ से हमें बैकग्राउंड चूज करना है। तो हम बैकग्राउंड के लिए, आजकल बैकग्राउंड को वैसे पेंट करने से बेटर है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम इसमें गए, यहाँ पे ये दिख रहा है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, ये सर्कल वाला, यहाँ हमने क्लिक करा सॉलिड कलर, सॉलिड कलर आ गया हमारे पास। अब हमें जो भी कलर पिक करना है वो कलर पिक कर सकते हैं। सो लेट्स टेक दिस, अभी के लिए मैं वहीं से कलर उठा लेती हूँ, अभी के लिए मैं यही कलर उठा लेती हूँ। आप लोगों को जो भी कलर चाहिए आप उसमें प्लीज डाल सकते हैं। तो सॉलिड कलर हमारा कलर पिक्ड है ऑलरेडी, ओके गया, ये हमारा बैकग्राउंड रेडी है। दिस इज आवर बैकग्राउंड रेडी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है? तो अब हमें सबसे पहले तो ये बर्गर प्लेस करना है। कैसे? बहुत सिंपल है, एक बर्गर की इमेज डाउनलोड कर लो आप लोग, मैंने एक पहले से इमेज डाउनलोड कर रखी थी, मैंने एक्चुअली दो इमेजेस कर रखे हैं, ये और ये। तो अभी के लिए मैं ये वाली इमेज ले रही हूँ, आप PNG इमेजेस भी डाउनलोड कर सकती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम PNG इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी PNG इमेज है, तो मैंने इस इमेज को यहाँ पे मूव कर लिया, किसकी मदद से? हेल्प ऑफ मूव टूल की मदद से। तो अब हम क्या करेंगे इसको रिसाइज करने के लिए, शिफ्ट होल्ड शिफ्ट एंड ऑल्ट एंड ड्रैग, शिफ्ट प्लस ऑल्ट एंड ड्रैग इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। इतना काफी है, तो ये हमने ले लिया और हम यहाँ इसे प्लेस कर देते हैं, हमारा बर्गर प्लेस हो गया। अब हम चाहें तो नीचे हम और भी कुछ एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ये एलिमेंट डाल रखा था एक, अगर आप नहीं चाहते तो आप ना भी डालो, आप शेडो प्लेस कर दो इस चीज़ की, ये अभी नहीं चाहिए तो हम इसे क्रॉस कर देंगे क्योंकि हमारे पास तो हमारा बर्गर आ गया है, ठीक है। तो ये हमने प्लेस कर दिया, अब हम इसमें ये डिज़ाइन चाहते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेन टूल यूज़ करेंगे, न्यू फाइल, न्यू लेयर, और ये यहाँ से हमने पेन टूल की हेल्प से, अब पेन टूल में आपका यहाँ पे ये आ गया, तो अब आप इसको कट कैसे करोगे ताकि आपका नेक्स्ट कर्व बने? तो आपको क्या करना होगा, प्रेस ऑल्ट एंड योर क्लिक लेफ्ट क्लिक बटन, प्रेस इट, इट विल गॉन एंड नाउ यू कैन मेक योर अनदर कर्व विदाउट एनी प्रॉब्लम, जस्ट प्रेस ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, उससे वो आपका हैंडल जो होता है इसका पेन टूल का वो बंद हो जाता है। तो ये हमारा बन गया है, शेप बन गई हमारी। अब इसमें हम पैटर्न फिल करेंगे, देखो आप लोगों के कंप्यूटर्स पे बहुत सारे पैटर्न होते हैं, तो आप लोग को जो भी पैटर्न पसंद हो आप वो वाला चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये पैटर्न पसंद है, अब मैं इसका स्केल थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ये मैंने इसका स्केल बढ़ा दिया है, चाहो तो आप और भी बढ़ा सकते हो जैसे भी आपको पसंद हो।
मुझे ये इतना पसंद आ रहा है तो मैं इसको ओके करती हूँ। अब इसको हमें क्या करना है, हमें हमारे पहले तो इसकी हमें पेन टूल्स में हमें लाइन इसकी स्टॉक्स बनी हुई है, वाइट वाइट दिख रही है आप लोगों को, ये स्टॉक बनी हुई है, स्टॉक तो नहीं रखनी हमें इसकी, तो हम स्टॉक्स हाइड कर देंगे। कैसे, ये वाला टूल दबा कर पेन टूल में जाएंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ स्टॉक्स का ऑप्शन होता है उसमें हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि हमें कोई स्टॉक नहीं चाहिए। अभी हमें शेप को नीचे लाना है बर्गर से, तो हम जस्ट सिंपली ड्रैग इट, हमारी शेप बर्गर से नीचे आ गई, सिंपल। अब हमें बर्गर की थोड़ी सी शेडो बनानी है। अब शेडो कैसे करेंगे, यहाँ जाओ इस, देखो कैसे करते हैं, दोबारा बता देती हूँ। अपनी उस जिस लेयर पे आपको शेडो बनानी है उसको आप डबल क्लिक कर दो, ये आपका एक आइकन लेयर स्टाइल आइकन खुल जाएगा जहाँ पे आपका नीचे होगा ड्रॉप शेडो, ये हमने क्लिक करा ड्रॉप शेडो पे, हम गए। हमें अब कितनी शेडो चाहिए, ऑपोसिटी कितनी चाहिए इसकी, हमें ऑपोसिटी कम चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस हमें ज़्यादा चाहिए, और किस एंगल में चाहिए, यहाँ पे एंगल भी डिफाइन हो जाते हैं, तो एंगल तो हमें नीचे ही चाहिए ना, तो हम नीचे वाला एंगल चूज़ कर लेंगे, 130 हमने एंगल चूज़ कर लिया, ओके। अब साइज़ कैसे करना है, आपको बड़ा रखना है या छोटा रखना है, मैं साइज़ फुल रख रही हूँ इसमें क्योंकि मुझे फुल इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने साइज़ ओके कर दिया, तो अब यहाँ मैंने ओके कर दिया, तो हमारी शेडो आ गई, दैट्स परफेक्ट। लेकिन इस शेडो हमारी पूरे ऑब्जेक्ट पे आ गई है ना, पूरे में ऑब्जेक्टिव तो हमें चाहिए ही नहीं, तो अगर आप चाहते हो कि हमें पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अगर आपको पूरे ऑब्जेक्ट पे शेडो नहीं चाहिए तो जस्ट सिंपली एक ब्रश टूल लो, ब्रश टूल लिया हमने, कोई भी सॉफ्ट ब्रश ले लो, जैसे ये ले लिया हमने सॉफ्ट ब्रश, ब्लैक कलर लो, यानी ब्लैक कलर लिया, न्यू लेयर लो और एक डॉट कर दो, ऐसे हो गया। अब इसको हम कंट्रोल टी से अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, हमें जैसे भी चाहिए ये, हम उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ये हमें ऐसे चाहिए, ठीक है, जस्ट डिपेंड कि आपको कितनी चाहिए, किस क्वांटिटी में स्प्रेड करना चाहते हो। देखो हम ऐसे हमने किया, ठीक है, हमने इसको लेयर को इसके नीचे ले गए हम, ठीक है, दिख रही है अभी, अगर अभी भी हमें थोड़ा और इसको चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम फिल्टर में जाएंगे और ब्लर एंड गॉर्जियन ब्लर, तो इसमें हम ब्लर करेंगे तो हमारी ये ब्लर हो जाएगी और हमें उतनी ही मिलेगी जितनी हमें चाहिए, ओके, तो हमारी उतनी ही शेडो दिख रही है जितनी हमें हमारे लिए हमें चाहिए, तो ये हमारा हो गया। और एक और दूसरा ऑप्शन है शेडो डालने का, अगर आपको वैसे ड्रॉप शेडो में नहीं चाहिए तो एक और ऑप्शन है कि आप सर्कल बना लीजिए। देखिए एग्जांपल करके दिखाती हूँ, सर्कल बना लिया हमने, ठीक है, इसमें स्टॉक्स हटा देती हूँ मैं, ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। अब आप इस सर्कल को भी गॉशियन ब्लर कर सकते हो, हमने पहले रैशनलाइज हो जाती है शेप, उसके बाद गॉशियन ब्लर, तो ये आपको जितनी भी चाहिए उस हिसाब से आपके ब्लर आ जाएगी। देखो ऐसे भी हम शेडो डाल सकते हैं, एक ये भी एक ऑप्शन है कि हम इसमें शेडो डाल रहे हैं, देखो डल गई शेडो। अब इसको हमें जितनी भी हमें बढ़ानी है, हम मतलब लेंथ में जितना भी करना है हम कर सकते हैं, ऐसे करनी है, हम ऐसे बढ़ाना चाहते थे ऐसे बढ़ जाएगी, देखो डल गई, और थोड़ा बात कर दो उसको, डल गई शेडो, लेकिन अभी हम नहीं चाहिए हमें, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने ब्रश टूल्स जो डाली है होती है सफिशेंट है, क्योंकि हमें यहाँ एक और डिज़ाइन बनाना है। तो अब यहाँ एक और चीज़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम ये शेप लेंगे, इसको डुप्लीकेट कर दो और इसको बर्गर से ऊपर रख दो, रख दिया, हाँ। अब क्या करना है, अब इसमें आपने पेन टूल पे जाना है और इसमें अब आपको कलर फिल कर देना, कलर कौन सा फिल करेंगे, जो हमने यहाँ बर्गर के लिए बैकग्राउंड में डाल रखा है,
वो हमने कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ये हमारी परफेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने परफेक्ट बनाया नहीं, तो हम इसको क्रॉस करेंगे सबसे पहले, और हम सर्कल टूल यूज़ कर लेंगे इस चीज़ के लिए। तो हमने ये सर्कल टूल बना दिया, सर्कल। अब इसके लिए हमें स्ट्रोक्स नहीं चाहिए, इसकी बंद कर देंगे भाई। हमें ये कलर चाहिए, हमने ये कलर ले लिया, ठीक है। देखिए यही चीज़ है, कलर थोड़ा चेंज है इसमें, हम कलर बाद में चेंज कर लेंगे हम, लेकिन यही ना, इसको थोड़ा जूम आउट करो और मेक सर्कल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मैंने, मेरे को इतना सर्कल की ज़रूरत थी, मैंने बना लिया। ओके, ये हो गया हमारा, बन गया हमारे पास सर्कल हमारा, बेस्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर का चीज़ बनानी है। ऊपर हमें क्या करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, रेक्टेंगल टूल ले, और यहाँ हमने रेक्टेंगल बना दिया। साइज उस हिसाब से ले लो जिस हिसाब से भी आपको बनाना हो रेक्टेंगल, और इसमें भी आप रेक्टेंगल को चूज़ करेंगे, हमें कलर चूज़ करना पड़ेगा, वाइट। स्टॉक्स हम हटा देंगे क्योंकि बहुत ओवर हो गया, तो ये हमने वाइट ले लिया। अब ये हमारा ये वाला बेस, हमारा ये वाला बेस भी रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट से ये जो हमारा रहता है, देखो मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। अब हमने स्पेशल ऑफ़र लिखना है, उससे पहले हम ये वाले रेक्टेंगल्स बना लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ गए, राउंड रेक्टेंगल टूल, सिंपल है, शिफ्ट दबा के आप राउंड रेक्टेंगल टूल बना लो, ऐसे हमने बना लिया, कलर फिल कर दो। मैं अभी कलर पीछे से चूज़ कर लेती हूँ, ये मैंने अभी के लिए मैंने ये कलर चूज़ कर लिया, ओके। तो इसमें हम कलर चेंज कर देंगे, ये हमने कलर चेंज कर दिया, इसका हमने कलर चेंज कर दिया। हमें स्टॉक्स नहीं चाहिए इसमें भी, तो हमने स्टॉक्स को हटा दिया। अब हमें ये थोड़ा सा रोटेट में चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट एंड रोटेट, रोटेट एज मच यू नीड इट, हमें बस इतना ही चाहिए, तो हम इसको ओके कर देंगे। अब हम इसी का हम डुप्लीकेट बना लेंगे, कंट्रोल जे से हमने डुप्लीकेट बना लिया। अब सिंपल है, बहुत सिंपल है, हमने यहाँ से इसका कलर, मैंने इसका यहाँ से कलर पिक कर लिया। आप लोग चाहती हैं जो भी आपको कलर डालना वो डालें। ये हमने टूल सेलेक्ट किया, हमने इस लेयर का कलर चेंज कर दिया, ये हमारा कलर चेंज हो गया। अब इसका हमने थोड़ा सा शिफ्ट करना है नीचे, तो हम कैसे करेंगे, बस उसको पकड़ो और नीचे मूव कर दो, दैट्स इट, ये हमारा मूव हो गया, एंटर करो, खत्म। अब हमें सर्कल का कलर चेंज करना था, तो हम कैसे करेंगे, ये हमने इक्विप्स यूज़ करा, ये हमने गए और हमने ये कलर डाल दिया इसमें, सिंपल, ये हमारा कलर चेंज हो गया इसका, ओके। नाउ अब हमें ये वाइट वाला जो है, ये हमने इन दोनों से ऊपर लेना है, तो पहले तो आप इन दोनों को ग्रुप कर लो, ठीक है। हमने ग्रुप कर लिया, क्या है ये, रेक्टेंगल्स, कर्व रेक्टेंगल्स, कर्व रेक्टेंगल्स हमने इस लेयर का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम ये इस वाले रेक्टेंगल से नीचे कर देंगे, क्या करना है, ऐसे अपर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वन ही काफ़ी है, ठीक है। बेस ओके, हमने इनको भी ग्रुप कर लिया, बर्गर नहीं तो बर्गर, ठीक है। तो इतना हमारा हो चुका है, हमने ये कर लिया।
अब हम चाहते हैं कि इनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए कर्व्स का, है ना, थोड़े छोटे लग रहे ना, तो हमने इन दोनों का सेलेक्ट करा, कंट्रोल टी शिफ्ट एंड ऑल्ट, होल्ड शिफ्ट एंड ऑल्ट, जस्ट ये हमने कर दिया, इंटर हो गया हमारा। अब हमें एक ये बाउंड्री बनानी है, जैसे ये बनी हुई है ना, तो उसके लिए हमें क्या करने है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, रेक्टेंगल टूल यूज़ करेंगे। हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, अकॉर्डिंग आप ले लो इसको, अकॉर्डिंग जो भी इसकी हाइट, जिस जितने भी पोर्शन में आपको चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इसको ले लीजिए। देखो इतने गैप में यहाँ से चाहिए और इतने गैप में बराबर गैप है मेरा, ओके। तो इसका हमें अब कलर नहीं चाहिए इसका हमें, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल में जाएंगे, फिल में जाएंगे एंड हटा देंगे नो कलर, हमें कोई कलर की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हो गया, अब हमें इसको सबसे नीचे प्लेस करना है, इतना नीचे भी नहीं, तो ये हमें बर्गर में तो नहीं करना था, बेस से ही नीचे करना है बस। तो ये हमारा हो गया डन। ओके, अब हमें ये दो जो कर्व्स हैं ये हमें इस रेक्टेंगल से नीचे लाने हैं, हो गया। अब हमें ये जो डिज़ाइन है, अब हमारा लास्ट डिज़ाइन क्या बचता है, ये दिख रहे हैं आपको ये लाइंस, ये लाइंस बनानी है हमें। तो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, लाइन टूल यूज़ करो, लाइन टूल हमने लाइन टूल यूज़ किया, तो अभी हम यहाँ से एक लाइन डालते थे, ये हमने लाइन डाल दी। अब इस लाइन का हम स्टॉक स्टॉक जो है वो कम कर लेंगे, हम 2 कर लेंगे बस, इतना काफ़ी है हमारे लिए, देखो काफ़ी है, थोड़ा और बढ़ाना चाहते थे आप और बढ़ा लीजिए, नहीं तो चलो 3-4 कर देते हैं, ठीक है, हाँ 4 तो बहुत है, 4 तो बहुत है। अब हमने इसका कलर भी चेंज करना है, तो हम कलर के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, स्टॉक में जाके हमने कलर चेंज करना है, तो हम ये कलर डाल देते हैं अभी के लिए। तो अब हमें इसकी डुप्लीकेट 4 कॉपीज़ बनानी है, तो फटाफट डुप्लीकेट कंट्रोल जे कर लो, तो ये हमारी कॉपीज़ बन जाएंगी उससे, थोड़ा सा मूव कर लो बस को। तो हम क्या करेंगे, हमें शेप्स मूव करनी है, तो हम थोड़ा सा ऊपर इसको शिफ्ट कर देंगे, यहाँ हमने ये वाली कर दी, अब हम दूसरी को कर देंगे, दूसरी कर दी, एक हम तीसरी को कर देंगे, तीसरी भी कर दी, चौथी भी कर दी, तो 4 तो हमारी हो चुकी हैं, लेकिन हमें थोड़ा कम कम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन 4 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें इन बीच का डिफरेंस देखना है, तो ये हमने सॉरी क्या हो गया, ये कंट्रोल, तो ये हमारी हो गई है ना, तो हम इनको इक्वली इनका देख लेते हैं, गैप इक्वल नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट गाइस, तो ये हमारी हो गई है, ठीक है, गैप हमारा ऑलमोस्ट हमारा सेम है। अब इनको हम जस्ट ग्रुप एक और कॉपी कर लेंगे, 4 ले लेंगे, कंट्रोल जे, हमने एक और कॉपी कर ली, अब उसको पकड़ो और शिफ्ट कर दो आगे, ये हो गई डन। अब इन 4 को, इन 8 के 8 को हमने ग्रुप कर दिया, कंट्रोल जी ग्रुप,
का नाम रख दो लाइंस, लाइन कर दिया। अब इसको हमें रेक्टेंगल से नीचे रखना है, बस। चाहो तो आप इस बेस से भी नीचे रख सकते हो। हमने ये कर लिया, ओके। तो ये हमें ना थोड़ा सा वो लग रहा है कि हमें टिल्ट करनी चाहिए, हमें थोड़ा सा शेप चेंज करनी चाहिए इसकी, आई मीन थोड़ा सा रोटेट करके हमें। तो ये हमने, चलो थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको, ये हमने प्लेस, ये हमने प्लेस कर दिया, ओके। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। जो रेक्टेंगल्स हैं ये बर्गर से नीचे आएंगे, ठीक है। ये लाइंस हो गई हमारी, हमने इनके हिसाब से करनी है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। हाँ परफेक्ट, अब ये परफेक्ट हो गई है। तो अब हमारी ये लाइंस भी हो गई है, ठीक है, हमारा ये काम भी डन। अब हमें क्या करना है, हमें बस अब टेक्स्ट डालना है और ये एक चीज़ है, चीज़ बनानी है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ये लेंगे और यहाँ से एक डिजाइन बनाएंगे, कैसे होगा, हैंडल इसका हटेगा, ऑल्ट प्रेस करके रखो, लेफ्ट क्लिक दबा दो और ये हमारा भाग जाएगा, ओके। ये हमारी शेप बन गई है, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले तो हम स्टॉक्स हटा देंगे, क्यों, हमें स्टॉक्स तो चाहिए ही नहीं। सॉरी गाइस, ये हमने स्टॉक्स हटा दिया। अब हम इसमें सिर्फ प्राइस पुट करना है, हमने आई नो थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही मुझे, इसमें से ले लेते हैं हम। अभी के लिए मैं ये ही उठा रही हूँ, आप लोग बना सकते, आप लोग वैसे या तो इलस्ट्रेटर भी बना लीजिए, इलस्ट्रेटर की बहुत सही होती है बनाने। मैं इलस्ट्रेटर में ही बनाती हूँ, जितनी ये शेप्स का होता है। इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेटर इज वेरी वेरी इजी टू मेक, इलस्ट्रेटर इज वेरी इजी टू मेक दीज काइंड ऑफ शेप। सिंपली इसमें जाके क्या करना होता है हमें, ये हमने शेप यहाँ से उठा लिया, ठीक है। तो हमारा शेप वाला तो काम हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें टेक्स्ट लिखना है। बहुत इजी होता है इलस्ट्रेटर में शेप बनानी, हम सिंपली सर्कल को और रेक्टेंगल को ज्वाइन करके रखते हैं, सर्कल के मिड से रेक्टेंगल को ज्वाइन कर लेते हैं और पाथ फाइंडर से हम इसको बना लेते हैं। बहुत सिंपल है ये चीज़ बनानी, ठीक है। इलस्ट्रेटर में मैंने इलस्ट्रेटर से बनाई थी, आप भी चाहते हो तो इलस्ट्रेशन से बना सकते हो, ओके। अब हमें टेक्स्ट डालना है, सिंपल है। सबसे पहले हम स्पेशल ऑफर डाल देते हैं भाई, कैपिटल स्पेशल ऑफर, ओके। इसको हमने ब्लैक कर दिया, इसका हमने बढ़ा दिया फॉन्ट साइज,
नहीं क्या क्या कर लिया। तो हमने स्पेशल ऑफर लिखा, और स्पेशल ऑफर को हम मिडल में देखने, पहले हम ऐसे ही रख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। स्पेशल ऑफर हमने रख दिया, ओके स्पेशल ऑफर। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, बाय वन गेट वन फ्री है ना, तो हम नेक्स्ट हमें क्या लिखना था, बाय वन गेट वन फ्री। स्पेशल ऑफर हमने लिखते हैं बाय वन गेट वन फ्री, तो हम लिखेंगे बाय वन गेट वन। हम बाय और उसका कलर चेंज कर देंगे, बाय का हमने कलर ये चूज कर लिया, चाहो तो आप वाइट भी कर सकते हो, देखो वाइट चूज कर, इसमें हम वाइट कर लेते हैं, चलो ठीक है वाइट ज़्यादा अच्छा। वन यहाँ पे वन का हमने वाइट चूज कर लिया। अब हम ये अलग कलर क्यों कर रहे हैं, सबके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, तो हम अलग कलर इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग इस वर्ड से अट्रैक्ट हो जाएं। अगर हम एक ही कलर का देंगे तो लोग इतना नहीं देखते हैं, क्यों, नॉर्मल है ठीक है, देख ऐसे ही लगा देते हैं लोग, लोगों का ये थिंकिंग होती है कि ऐसे ही कर देते हैं लोगों, ठीक है, लेकिन हम इनको अलग कर देंगे तो ये पढ़ने में आती है। नॉर्मली हम जो एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, हम एक प्रोपोर्शन लेके चलते हैं, उसका वो प्रोपोर्शन होता है जेड शेप में, कि हमारा जो व्यू आई कैचिंग पॉइंट जो होता है लोगों का, नॉर्मली हम जेड तरीके से हम अपने एडवर्टाइजिंग या कुछ भी पोस्टर वगैरह हम देखते हैं, अगर हमारा जेड वे में नहीं होगा तो लोग इतना नहीं देख पाएंगे, लोगों का हर एक चीज़ पे फोकस इतना नहीं जाएगा। तो अब हमें यहाँ डालना है 869, तो 869 डाल देंगे, भले ऐट का साइन तो होता ही हमारे पास, 69 हमने डाल दिया, ठीक है, और यहाँ हम ले लेंगे वाइट, वाइट कलर हमने पिक कर लिया, और यहाँ हम इसका वन थोड़ा साइज बढ़ा देंगे, मैं बढ़ा दिया, यहाँ पुट कर दो, ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब सिंपल है, इसको और इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने दोनों के लेयर को सिलेक्ट करा और दोनों को मिडल दे, ओह सॉरी ये वाला मिड, ओह सॉरी सॉरी इसका और इसका, और इसका हमें देखना होगा तो हम ऐसे कर देंगे, ये हमारा मिडल में है मतलब, ठीक है, ओके तो ये हमारा हो गया। अब हमें सिर्फ नीचे डालना है, क्या करना है, हरी अप विजिट नाउ, ठीक, तो हम यहाँ पे हरी अप लिखेंगे, हरी अप विजिट नाउ, हो गया। अब इसको हम फॉन्ट साइज इसका छोटा कर देंगे, जितना हमारे डिज़ाइन में फिट हो जाए और वियर्ड भी ना लगे, ठीक है, तो ये फिट हो रहा है हमारा, हो गया, हरी अप नाउ, हरी अप विजिट नाउ। अब हम शॉप का नाम तो लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लवली बर्गर स्टोर लिखा है, देखिए मैंने कोई भी एग्जिस्टिंग ब्रांड का बर्गर नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग ब्रांड नहीं उठाई है, लोगों नहीं उठाया, क्योंकि कॉपीराइट के बहुत इश्यूज आ जाते हैं कि हमने आपने हमारा नाम कैसे यूज़ कर लिया, ये चीज़ें बहुत हो जाती हैं। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग किसी भी ब्रांड का नेम उठाओ तो जस्ट ध्यान से उठाओ, आप उसको रीडिज़ाइन री कर लो, आपने कुछ अलग अपने तरफ से नाम सोचो, जहाँ तक हो सके आप अपनी तरफ से नाम सोचो, किसी का नाम मत उठाओ, क्योंकि कॉपीराइट के ऐसे ना बहुत इश्यूज आ जाते हैं। अब हमने स्पेशल ऑफर भी हमने वो करना था, सेंटर में लाना था, कैसे लाएंगे, सिंपल है भाई, ये हमने सेलेक्ट कर लिया इसको,
और बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर लिया, हमने ये दबा दिया, हमारा मतलब सेंटर में बिल्कुल हमारा ये, ठीक है। तो ये हो गया। तो लीजिए हमारा ऐसे बस शेल्टर, हमने कुछ मिनटों में हमने अपना बस शेल्टर बना लिया, और बहुत ही इजी तरीके से हमने अपना बस शेल्टर बना लिया है। और मैं और भी बहुत सारे बस शेल्टर्स आप बना सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स में दिखाती हूँ। जैसे कि ये है, यह है हील्स पे, हमने हील्स पे बनाया है बस शेल्टर। ये है बर्गर पे, ये हमने बस शेल्टर डिज़ाइनिंग हम अपने पोर्टफोलियोज में जो भी हम डालते हैं तो उसके लिए हमने कि मेन पेज बनाया है कि लोग इस पेज को देख के हमारे बस शेल्टर्स को आके देखना शुरू करें। तो इस पेज में हमने क्या है डाला है, सबसे मेनली जो बैकग्राउंड इमेज है वो बस शेल्टर की है, ओके। ये डांडिया नाइट्स की, ये डांडिया नाइट्स के लिए, ये भी हील्स के लिए है, ये ऑनलाइन लर्निंग के लिए है कि ऑनलाइन लर्निंग आप कहीं भी कर सकते हैं, एनी वेयर एनी टाइम, कहीं पे भी किसी भी समय, और ये बहुत ही इजी तरीका है जल्दी सीखने का। थैंक यू गाइस। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, और शेयर करिए जितना आप हो सके उतनी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, जल्दी मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।